दिस अमाउंट ऑफ वर्च हमसे पूछा है गाइज डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड हीट गि ऑफ वाइल वॉकिंग तो हीट का हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है गाई। गाई, लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम एंड डिस्कस द कंसेप्ट बिहाइंड द प्रॉब्लम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यार इस तो इस गिवन प्रॉब्लम में जो भी बात हो रही है हीट और वर्क के साथ इंटरनल एनर्जी को कम्बाइन किया जा रहा है तो जैसे ही हीट और वर्क के इंटरेक्शन की बात होती है वहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूस होता है तो अगर हम बात कर लें केस वन की तो केस वन में गाइज हमें क्या दे के रखा है कि ज इंटरनल एनर्जी चेंजेज बिकॉज ही परफॉर्म डेट मट अमाउंट ऑफ वर्क तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं एंड केस वन में ये वर्क की वैल्यू क्या दी गई है अगर हम केस वन में इसको डब्ल्यू वन बोलें डैट इज गिवन सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर फाइव जूल एंड गिवस ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ हीट ये हीट सिस्टम से बाहर जा रही है तो इस हीट को हम कैसे कंसिडर करेंगे डेट इज दिस्टम से बाहर जा रही है, है गाइज तो फोर पॉइंट नाइन इंटू टेन टू पावर फाइव जो गाइज फर्स्ट ला ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है डेट फ्रॉम फर्स्ट ला ऑफ थर्मोडायनमिक्स अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट ला ऑफ थर्मो तो फर्स्ट ला ऑफ थर्मो क्या बोलता है गाइज क्योंकि थर्मोफस्टला ये हमें सजेस्ट करता है कि जो नेट हीट इंटरेक्शन होता है किसी भी सिस्टम में डेट कैन बी गिवन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क इंटरेक्शन अगर हम इसको गायज सिंपल शब्दों में लिखें तो डेट कैन बी रिटेन एज क्यू वन इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू प्लस डब्लू वन हमें यहाँ पे Q1 और W1 की वैल्यू पता है Q1 वन इज गिवन डेट फोर पॉइंट नाइन इंटू टेन टू पावर फाइव और डी यू डब्ल्यू वन इज गिवेन डेट सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर फाइव यूनिट दोनों की जूल है तो गाइज यहाँ से डी ओ की वैल्यू क्या आने वाली है अगर हम डी ओ की वैल्यू को कम यहाँ से कैलकुलेट करें तो डेट कैन बी सिंपली गिवेन डी यू हमारा क्या हो जाएगा डेट इज दिक्स पॉइंट फोर प्लस फोर पॉइंट नाइन ओके गाइज अगर हम यहाँ से डी ओ की वैल्यू को कम कैलकुलेट करते हैं दिस कैन बी गिवेन अगर हम यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दें माइनस एलेवन पॉइंट थ्री टेन टू पावर फाइव जूल माइनस का मतलब क्या है गाइज कि जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है डेट विल डिक्रीज ये हमें माइनस साइन शो कर रहा है अब बात करते हैं सेकंड केस में तो गाइज सेकंड केस में केस टू में क्या बोला है या अगर वही सिस्टम है और वो सिस्टम वो वॉक कर रहा है जब वो वॉक करता है तो उसने इतना अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म किया एट पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर फाइव मतलब हमें डब्लू टू कितना दिखा है गाइज डब्लू टू इज गिवेन डेट एट पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर फाइव जून और सेम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज होती है केस टू में तो इसका मतलब हम इंटरनल एनर्जी के चेंज की बात करें अब चेंज गाइज अगर बड़ा सा चेंज होता है तो हम उसको डी ओ ना लिख के डेल्टा यू भी लिखते हैं तो उसमें कोई बहुत हेजिटेट होने वाली बात नहीं है तो हम डेल्टा यू भी लिख सकते हैं और डेल्टा यू की वैल्यू हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं डेट इज द माइनस एलेवन पॉइंट थ्री इन टू टेन टू पावर फाइव जी दिस इज द बेसिक कनेक्शन लिंक बिटवीन वन एंड टू इसलिए गए हमने यहाँ पे डेल्टा यू को दूसरे केस में भी यूज कर लिया डे दिस इज द डेल्टा यू ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है कि हमने डेल्टा क्यों ले लिया है क्योंकि चेंज अगर बड़ा है तो डी को डेल्टा ले सकते हैं तो इस केस में गायज हमसे Q2 की वैल्यू पूछा गया है तो गायज अगर हम यहाँ से फिर से थर्मोडाइनमिक का सेकेंड ला फर्स्ट ला अप्लाई करें नॉट सेकेंड तो क्या आने वाला है फ्रॉम फर्स्ट ला ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्यू टू इक्वल टू तो डेल्टा यू प्लस डब्लू टू और गायज यहाँ पे हमसे क्यू टू पूछा गया है तो हमने डेल्टा यू की वैल्यू पुट की डेट इलेवन पॉइंट थ्री इंटू टेन टू पावर फाइव और डब्लू टू इस केस में कितना दिया है गायज डेट एट पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर फाइव तो गाइज यहाँ से सिंपली हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आने वाला है अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो हम इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं डेट विल कम माइनस थ्री पॉइंट वन इंटू टेन टू पावर फाइव जूल और माइनस का मतलब क्या होता है गाइज सिस्टम में हीट के टर्म में कभी भी माइनस आ जाए तो इसका मतलब सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है हम लिख सकते हैं गाइज माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है डेट हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम एट हीट इज रिजेक्टेड फ्राम द या रिलीज्ड फ्राम द सिस्टम और प्लस आता तो सिस्टम पे ऐड हो रही है तो गाइज यहाँ से हम देखें कि हमारा जो फाइनल एंसर आ रहा है अगर मैं हीट की बात करूँ डेट इज द थ्री पॉइंट वन इंटू टू पावर फाइव तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी इज द राइट वन अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें क्योंकि हमें पहले ही बोला है मैग्नीट्यूड बताना है और हीट गिवे नॉप सिस्टम से बाहर निकल रही है मतलब साइन पहले ही कंसीडर कर लिया है क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ